हेलो गाइस, सो फाइनली रेडमी 5A में MIUI 9.6.5.0 का अपडेट आ गया है। गाइस ये स्टेबल का अपडेट है 126 MB का। और गाइस अगर आप इस अपडेट के बारे में फुल डिटेल में जानना चाहते हो तो गाइस आपके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखी है, उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो कि ये अपडेट अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो कब तक मिल जाएगा और इस अपडेट में आपको क्या कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में दी है, ठीक है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। सो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थीम्स के बारे में कि गाइस आप अपने स्मार्टफोन में थर्ड पार्टी थीम्स को अप्लाई कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस आप जैसे यहाँ पर थीम्स ऐप में जाते हो और जाने के बाद यहाँ पर ऐड आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर आप थीम्स में जाके किसी भी थीम को इंपोर्ट करते हो थर्ड पार्टी थीम को, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे करके ओके कर देते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपका जो थर्ड पार्टी थीम है वो यहाँ पर शो तो होने लगता है, बट गाइस जैसे आप उसे अप्लाई करते हो तो यहाँ पर एरर शो होता है और यहाँ पर लिखा होता है नॉट सपोर्टेड, ठीक है। तो गाइस अगर आप आज की वीडियो को शुरू से एंड तक देखते हो तो गाइस मैं आपको इसी थर्ड पार्टी थीम को अपने स्मार्टफोन में अप्लाई करके दिखाऊंगा। और गाइस अगर आप आज की इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखते हो तो आप किसी भी थर्ड पार्टी थीम को अपने स्मार्टफोन में अप्लाई कर पाओगे ईजिली, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को शुरू से एंड तक आप जरूर देखिएगा। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस थर्ड पार्टी थीम को आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है माई थीमर, और माई थीमर सर्च करने के बाद गाइस यहाँ पर आपके सामने एक ऐप आ जाएगी जिसका नाम है माई थीमर फॉर MIUI। गाइस इसको 50,000 प्लस लोग डाउनलोड कर चुके हैं और इंस्टॉल कर चुके हैं अपने स्मार्टफोन। और गाइस इसकी जो रेटिंग है वो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 में से 5 स्टार, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग है। गाइस 5 स्टार तो किसी भी ऐप को नहीं मिलते, गाइस बहुत ही कमाल की ऐप है, आप खुद ही सोच सकते हो। गाइस ये अभी रिलीज नहीं हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर गाइस अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हो तो आपको इस ऐप को फीडबैक देना है, आपको बताना है कि ये ऐप अच्छी है या अच्छी नहीं है, ठीक से वर्क कर रही है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस आपको सिंपली इसी ऐप को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेना है। गाइस इस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि थर्ड पार्टी थीम को आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। गाइस इसको आपको इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन करना है, ठीक है। गाइस ऐप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा सेलेक्ट MTZ थीम, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको फाइल मैनेजर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जहाँ पर भी अपना थर्ड पार्टी थीम रखा है उस फोल्डर में जाइए और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये रहा मेरा थर्ड पार्टी थीम, इसको करता हूँ मैं सेलेक्ट और ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर अनपैकिंग MTZ का यहाँ पर ऑप्शन आएगा। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वाली फाइल आपकी थीम फाइल शो होने लगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसी पर इस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक तो पैक थीम एंड अप्लाई और दूसरा डिलीट दिस थीम। तो आपको पैक थीम एंड अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको थीम पैक अप्लाई नाउ का ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको यस करना है, ठीक है। गाइस जैसे ही आप यस करोगे सो यहाँ पर अप्लाई होने लगेगा आपका थीम, और यहाँ पर अभी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। जैसे ही गाइस ये 100% हो गया और यहाँ पर गाइस हमारा थीम अप्लाई हो चुका है, हम कट करके देखते हैं कि अप्लाई हुआ या नहीं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा थीम इजीली अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो गाइस आप भी ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो थर्ड पार्टी थीम को अपने स्मार्टफोन में, बहुत ही कमाल की ऐप है गाइस, और आप इस ऐप को फीडबैक जरूर दीजिएगा। गाइस इसको 5 स्टार मिले हैं, ठीक है, और बहुत ही कमाल की ऐप है गाइस, इससे आप कोई भी थर्ड पार्टी थीम इजीली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को आपको दबाना ही दबाना है, उसको दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।